तो हम लोग बस में बैठ के अभी जा रहे हैं MGR चेन्नई सेंट्रल ट्रेन पकड़ने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा मेरे YouTube थंबनेल से। और ये फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं जनरल टिकट लेकर जनरल डिब्बा में। और ये हमारे एक मित्र और ये दूसरे मित्र जिनका जीरो कंट्रीब्यूशन रहता हमारे ब्लॉग में। थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं, बहुत भूख लगा हुआ है, सबसे पहले पेट पूजा करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है आगे। और यहाँ पे आ गए हैं बस स्टैंड के पास, ये तिरुपति बस स्टैंड के पास श्रीनिवासन, वहीं पे टिकट मिलता है। पता किए हैं तो सुबह 4 बजे से टिकट काउंटर खुलेगा और इसी में से लाइन लगना पड़ेगा टिकट लेने के लिए। तो यही देख रहे हैं कितना बड़ा भूलभुलैया है, देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, काफ़ी चलना पड़ेगा, काफ़ी वेटिंग करना पड़ेगा इस लाइन में। और ये श्रीनिवासन के नीचे में ही ये बनाया कॉम्प्लेक्स में ही पूरा सोने और के लिए सबके लिए बनाया गया है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहीं पे हम लोग रात में टाइम स्पेंड किए हैं और टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए पूरा सब लोग और सोया हुआ है, वेट कर रहा है टिकट का। और ये टिकट काउंटर के लिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, देखिए इसने हर एक कंपार्टमेंट ना बंद कर दिया गया हम लोग को, जितना ये हम लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट के सेकेंड लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए हम लोग सेकंड लाइन में, ये फर्स्ट लाइन जा रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे टिकट लेने के लिए। ऐसे 4-5 में भर भर के रखा हुआ है, कोई नहीं जा सकता है, तो पूरा पुलिस हो रहा है। ये देखिए हम लोग लाइन में लग के सब जा रहे हैं, पूरा लाइन बाय लाइन, वो लोग अभी भी अंदर में है। ऐसे पूरा सिक्योरिटी के साथ इतना टिकट के लिए मार होता है ना कि हाँ एक दूसरे का कपार फोड़ देगा, इतना मार होता है। हम लोग भी जा रहे हैं, लगभग टॉप 100 में हैं हम लोग टिकट लेने के लिए। सुबह सुबह 4 बजे खुलेगी, लेकिन अभी कितना है 1 बजे हम लोग अंदर बैठे हुए थे, 1 घंटा वहाँ बैठे, फिर अभी ये 2 बजे हम लोग लाइन में जा रहे हैं। अभी ये जो हम लोग चल रहे हैं अभी 2 बज रहा रात का, देखिए अभी कितना लोग सब जा रहा है, पूरा लेडीज़ बच्चा लड़की बूढ़ा सब एक तरफ से, सब आदमी टिकट लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। और हाँ टिकट लेने के लिए ना आधार कार्ड ज़रूरी है, तो आधार कार्ड लेके आइएगा, कोई भी टिकट लेने आ रहे हैं तो आधार कार्ड कंपलसरी है, तभी मिलेगा, स्कैन करके टिकट मिलेगा। और ये टिकट जो मिलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, इसलिए लोग इतना भीड़ लगाए हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे आप ऑनलाइन भी 300 में बुक कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आधार कार्ड लेके आइएगा, जीरोक्स करा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए कितना लोग अभी लाइन में लगा हुआ है, चारों तरफ से घूम घूम के सब आ रहे हैं, ये रात के 2 बजे सो सकते हैं, इतना डेडिकेशन भगवान का दर्शन करने के लिए। वही तो तिरुपति बालाजी भगवान। और यहाँ पे हम लोग लाइन में आके अभी रोक दिया गया बीच में, अभी फिर यहाँ से थोड़ा देर के बाद कहेगा कितना आगे जाना, अभी रुका हुआ है सब। तो और ये मार्केट में नया 2 ब्लॉगर आते हुए, नया 2 ब्लॉगर आया है। और आपको जो बोले ना वो 300 में टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, तो वो अभी नहीं बुक कर सकते, वो आपको 3 महीना पहले ही बुक करना पड़ेगा। इसलिए 3 महीना पहले किसको कब पता चलेगा कि हम कब जा पाएंगे कि नहीं, इसलिए नहीं हम लोग बुक किए हैं, इसलिए सडन आए हैं यहाँ पे फ्री का टिकट लेंगे। देखिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और वहाँ पे टिकट काउंटर है, अभी भी 4:15 लेट है, इसलिए यहाँ रुका हुए हैं हम लोग। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ का कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी छुप के बना रहे हैं वीडियो, देखिए यहाँ मिलेगा, अभी भी 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। और दर्शन टोकन मिल गया टिकट, और एक टोकन पे एक लड्डू फ्री है, बाद में यदि आपको लेना है तो पर पीस 50 रुपया देना पड़ेगा। और ये लोग सब अभी भी जा रहे हैं और अभी सबके चेहरे पे मुस्कान है, टिकट और मिल गया है इस बार, पहली बार, इससे पहले एक बार आए थे तो खाली हाथ जाना पड़ा, इस बार चलिए। अभी सुबह का 5:30 है, 4 बजे खुला, 4:01 में मिल गया, वो इतना भीड़ था हम लोग फिर भी टिकट ले लिए पूरा इतना। अभी जा रहे हैं, अभी फ्रेश और होके थोड़ा फिर जाएंगे तिरुमाला ऊपर और वहाँ पे मिलते हैं आपसे। और यहाँ बस में बैठ गए हम लोग, अब यहाँ बस तिरुपति से ऊपर जो है तिरुमाला जाएंगे, ऊपर को पहाड़ पे जाएंगे, 1 घंटा लगता है लगभग, अप्रोक्स 1 घंटा लग ही जाता है, तो उसको तिरुमाला कहते हैं। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं ऊपर बस में बैठ के, इसी बस मिला नहीं था अभी, तो ये नॉर्मल बस में जा रहे हैं।
और यहाँ बस से उतर के हम लोग को पूरा बस का चेकिंग होता है, सबको बैग और चेक करना पड़ता, सबका बैग और चेक होता है, कोई भी प्लास्टिक अलाउड नहीं होती, यदि आपका पानी बोतल और प्लास्टिक वाले में रहेगा तो फेंक दिया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पैदल सब जाता है, सबका गाड़ी का चेक, आदमी का बैग और का सबका फुली चेक होता है तभी ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ मंदिर दिख रहा है नीचे से ही कितना ऊपर, वो तिरुपति बालाजी का मंदिर देखिए पहाड़ के बीच से पूरा दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। और अब तिरुमाला बस स्टैंड पहुंच गए ऊपर पहाड़ पे, कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे एरोप्लेन में नहीं बैठते हैं वैसा फील आ रहा है। और अब जाते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है। और ये ऊपर में पहाड़ के ऊपर तिरुमाला का देखिए कितना मार्केट लगा हुआ है, लग ही नहीं रहा ये पहाड़ पे बसा हुआ है, चारों तरफ से देखिए कितना भीड़ है, कितना दुकान सब है। और ये दुकान देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और कुछ लोग सब दुकान खोल रहे हैं या फिर धूप से बचने के लिए पूरा पर्दा लगा रहे हैं। और ये मंदिर के अंदर आ रहे हैं, मतलब मंदिर कैंपस के पास, मंदिर कैंपस के अंदर वो गेट है। और यहाँ देखिए कितना लोग सब पूरा भरा पड़ा है। और वो मंदिर है जो कि आप नेट और पे कहीं भी फ़ोटो और देखते हैं तिरुपति बालाजी का, तो ये गेट, ये हम नीचे जा रहे हैं कैंपस में, यहाँ जा सकते हैं आप, मोबाइल और अलाउड है, बैग और लेके भी जा सकते हैं, स्लीपर थोड़ा बाहर खोल दीजिएगा, बाद बाकी यहाँ अलाउड है, यहाँ फ़ोटो और कर सकते हैं। और वो सामने ऊपर में वहाँ दिया और जलाते हैं, लोग सब आते हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है, अदरवाइज़ यहाँ टेंट लगता नहीं है, अभी प्रोग्राम चल रहा है इसलिए टेंट और लगा हुआ है। और ये सामने मंदिर, ये मंदिर है लेकिन मेन मूर्ति जो ना इसके पीछे है, इसके पीछे भी मंदिर है वो गोल्डन कलर का, उसमें मेन एक्चुअल मूर्ति है। बहुत दिन से तमन्ना था तिरुपति बालाजी आने का, वो तमन्ना पूरा हो रहा है। और यहाँ देखिए ये लोग सब जो नीचे लाइन में जा रहे हैं ना उस ग्रिल के उस साइड से, वो लड्डू लेने जा रहे हैं दर्शन करने के बाद ना, उधर राइट साइड में ना बोर्ड है वहाँ लड्डू लेने जा रहे हैं वो सब, और यहाँ सब लड्डू लेके निकल रहे हैं, या फिर किसी को कुंड में दर्शन करने जाना तो वो भी उधर जाते हैं। ये तो अपना कैंपस ही है, यहाँ पे लोग सब बैठे हैं। और यहाँ हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, फ़ोटो खिंचाने के बाद देख लिए, घूम फिर लिए, अब यहाँ से जा रहे हैं आगे का। और यहाँ पे लोग सब दिया और जलाते हैं या नारियल और फोड़ते हैं, क्योंकि अंदर चढ़ावा अलाउड नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर पहाड़ों के बीच में। और यहाँ पे ये बिल्डिंग है ना, ऐसा दो बिल्डिंग है जहाँ पे आप बाल और कटाना रहता है ना किसी को, तो यहीं पाना पड़ेगा। तो ये अंदर जा रहे हैं हम लोग ये बिल्डिंग के अंदर में, और यहाँ पे जाने के लिए आप, उसके बाद आपको टोकन लेना पड़ेगा किस नाई से आपका बाल कटेगा, उसके लिए भी यहाँ नंबर लगाना पड़ता है, बहुत लंबा लाइन रहता है, तो आपको टोकन देगा और ब्लेड देगा, तो फिर आप नाई को दीजिए और वहाँ पे बाल कटाइए। फाइनली टकला हो गया, अब जा रहे हैं कुंड में नहाएंगे। और अब जा रहे हैं कुंड में नहाने के लिए, वहाँ का फ़ोटो नहीं दिखाएंगे क्योंकि सब नहाते रहते हैं, बस आपको ये देख लीजिए ये कुंड है, यहीं पर हम लोग नहा रहे हैं। और अब नहाने के बाद हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो यहाँ बैग मोबाइल और सब कुछ सबमिट कर देंगे, आपसे सीधा मिलेंगे रात में दर्शन करने के बाद 6-7 घंटे के बाद। और हम लोग आ गए हैं दर्शन और करके, बैग और सारा कुछ, मोबाइल और सारा कुछ ले लिए हैं, सारा कुछ लॉकर में रखे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो भी, तो सारा कुछ दर्शन और करके आ गए हैं, लड्डू और ख़रीद के आ गए हैं सब कुछ। और ये नाइट व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दुकान सब देखने में, माला मूर्ति टोपी और जो बाल और चलाते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पे, पूरा मार्केट है लेकिन एक्सपेंसिव है क्योंकि पहाड़ के ऊपर में, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा, मंदिर के पास है ये सब। लोग सब देखिए कितना भीड़ है, अभी रात के 8 बजे देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। थोड़ा सोचे घूम लेते हैं फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, तब पहले ऊपर में भी घूम लेते हैं, नाइट व्यू देख लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे। और ये बीच में शेड और बनाया हुआ, यहाँ आराम और कर सकते हैं, रेस्ट और कर सकते हैं। और ये फिर यहाँ आगे मंदिर के पास, यहाँ देखिए आरती और लोग सब दे रहे हैं, जला रहे हैं रात में, दिन का व्यू भी देखे हुए थे, रात में भी सोचे आके देखते हैं, क्योंकि निकले यहाँ से ही, तो फिर यहाँ से थोड़ा दूर गए मोबाइल और लेके, फिर यहाँ पे आए, फिर से यहाँ घूम रहे हैं थोड़ा। ये रात का देखिए मंदिर ऐसा दिखता है रात में, पीछे पहाड़ कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। हेलो दोस्तों,
गोविंदा, मन्नत मांगे थे यदि मन्नत मेरा पूरा हो जाएगा तो हम बाल छिलाएंगे तिरुपति आके, तो मन्नत पूरा हो गया तो इसलिए तिरुपति आए हैं, बाल छिलाए, अब जा रहे हैं। दर्शन करने में बहुत टाइम लग गया, लगभग 6 से 7 घंटा लग गया टिकट होने के बावजूद दर्शन करने में लगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत कठिनाई हुआ, बहुत कुछ, सुबह से अभी तक भूखे हैं, लेकिन अभी फिर भी दर्शन जब हो गया तिरुपति जी का तो सब कुछ सॉल्व हो गया। इसी के साथ गोविंदा, जाते हैं अब यहाँ से। और ये यहाँ पे देखिए, सुबह में आपको यहीं से खड़ा होकर दिखाए थे ना, वो वाला व्यू पूरा कैंपस गेट, और तो यहाँ पे रात में ये देखिए, रात में ऐसा दिखता है यहाँ पे ये मंदिर, और वो लास्ट में देख रहे गोल्डन कलर का, एक्चुअली उसमें है तिरुपति बालाजी का मूर्ति, वहाँ पे दर्शन होता है। ये दो गो जो व्हाइट वाला गेट है इसके नहीं, वो लास्ट में गोल्डन कलर का उसमें पूरा होता है। और ये बीच मार्केट में ऐसे तिरुपति बालाजी का मूर्ति बनाया गया है, वहाँ सब लोग ऐसे फ़ोटो और खिंचाते हैं, पूरा भीड़ हो रहा है देखिए। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, तिरुपति जा रहे हैं बस में बैठ के पूरा जंगलों के बीच से। यहाँ पे बीच में शेर और भी आ जाता है तो इसलिए बच के जाना पड़ता है, किसी को अकेला अलाउड नहीं है पैदल और रास्ता में, सब जगह बॉर्डर लगा हुआ है कि खतरा है, बच के रहिए ऐसे वैसे। पूरा देखिए पूरा जंगल ही है चारों तरफ से, बहुत जंगली जानवर सब बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। और ये ऊपर से देखिए पूरा नीचे का व्यू, लग रहा है प्लेन से जा रहे हैं ऐसा लग रहा है तिरुपति का, देखिए नीचे में कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। इसी के साथ ये सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं। गोविंदा।